वेट करें तो फिर मैं वेट करूंगा। वेट ज्यादा नहीं है क्या? 2 मिनट बस। चलिए शुरू करते हैं। तो कल जिस पीडीएफ से हमने किया था वही पीडीएफ है ये। देख लेना आराम आराम से। मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं, कुछ बता नहीं रहा हूं क्योंकि पूरा बता चुका हूं कल। अभी सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है? जिसको देखना है पॉइंट टू पॉइंट वो उस वीडियो को देख सकता है। लगभग 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है वो, जिसमें मैंने कल पॉइंट टू पॉइंट बता दिया था इसके बारे में। कल मैंने ये बोला था कि कहां से मैं स्टार्ट करवाऊंगा दोबारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आंसर साथ की साथ है, घबराइए मत। आपको कहीं पे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो अभी जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, सर स्क्रीन ब्लैक है क्या? अब भी नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार बताएं बच्चों, क्या अब भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, अभी तक ब्लैक ही है, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर है? रिहाल गौतम से नाम से जो है आईडी, ये इस पे से मैसेज आया कि क्लियर दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब बीच में वो स्लाइड कर रहा था ना मैं, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। वो जो बच्चे पूरा कंप्लीट जो पूरा चैप्टर था उसका जो शॉर्ट समझ लिया रिवीजन था, कल मैं वीडियो में करवा चुका हूँ, वहां से आप कर लेना, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि हमारी लगभग 10 मिनट जा चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ भी लिया होगा आपने। What is the difference in the molecular formula of any two conjugative member of a homologous series of organic compounds? Question एक है, but इस question के अंदर भी 2 question बन रहे हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से। जो बच्चे भाई, 3 ही बच्चे लाइव हैं अभी, बाकी बच्चे कहाँ गए? 5 कनेक्ट हुए थे, वो छोड़ गए वापिस। चलिए मैं शुरू करता हूं। चलो 3 बच्चे हैं, पढ़ने वाले 3 ही बहुत हैं।
बाकी बच्चों की चॉइस है भाई, क्योंकि जिसको नंबर चाहिए हैं तो मैं इतना तो श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो अच्छे से करेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं टाइम निकाल के क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे आपकी क्लास लेने से कुछ यहाँ से कोई पैसा मिल रहा है या कोई एक्स्ट्रा मुझे बोला जा रहा है, ये मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जो चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए उनके। तो भाई इसमें बोल रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो डिफरेंस पूछा है आपसे, उसका जवाब सिंपल सा आपको मिल गया है। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, वो है होमोलॉजस सीरीज किसे कहते हैं। अब होमोलॉजस सीरीज का वही बच्चा जवाब दे पाएगा जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें क्लियरिटी से मैंने आपको बताया था कि क्या है होमोलॉजस सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर डिफरेंस जो है सेम रहता है वो होमोलॉजी सीरीज कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, हालांकि बता चुका हूँ फिर भी बताऊंगा तो मैं पूरा वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि सर पीछा छुटा रहे हैं इसे। CH4, C2H6, C3H8 और C4H10, C5H12, ये लगातार जो सीरीज मैंने आपको बोली है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन की लगातार है, इनमें सभी में डिफरेंस जो है CH2 का है। तो ये पूरी सीरीज जो है होमोलॉजी सीरीज कहलाती है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है। एक कार्बन का दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये पूरी सीरीज बन गई हमारी। तो मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ ताकि नोट्स के अकॉर्डिंग आप समझ पाओ। सेकेंड क्वेश्चन आता है, पढ़ भी लिया होगा आपने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेकेंड और थर्ड मेंबर का होमोलॉजी सीरीज का। ठीक है, इथाइन की बात कर रहा है, इथाइन कौन से ग्रुप से आ गया, ये आयन लगा है ना इसके पीछे। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इथाइन का जो सेकंड और थर्ड है वो कौन है बताइए आप। इथाइन एल्काइन से बनता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, थर्ड वाले फॉर्मूले से। तो उसमें फर्स्ट से तो स्टार्ट होता ही नहीं, ना इन में होता है और ना आयन में होता, सिर्फ एन में है कार्बन वन की। ठीक है, तो बताइए सेकंड और थर्ड कौन है, इथाइन है और उसमें क्या, अगर आप CH2 करोगे उसके अंदर, ध्यान से देख लो ये लिखा हुआ है, आंसर सारे लिखे हुए हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कैसे आपने समझना है इसको, कितने अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप समझ गए होंगे। सेकंड मेंबर कौन बना, प्रोपाइन, थर्ड कौन बना, ब्यूटाइन। तो मिथ और इथ तो खत्म ही हो गया यहाँ से। अब पूछेंगे बच्चे क्यों हो गया सर, क्योंकि तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन जितने कम होते चले जाएंगे, लेकिन इसके साथ कार्बन भी तो चाहिए ना हमें, कार्बन चाहिए ना हमें। अगर मैं दो कार्बन लेता हूं तो दो कार्बन के साथ पॉसिबल है ही नहीं फॉर्मूला बनना, आप सोच सकते हो उसको। ये सॉरी क्या बोल रहा था ना, दो के बनेगा, फर्स्ट दो के साथ बनेगा, बट इसने सेकंड मेंबर पूछा है। ठीक है, इसने सेकंड और थर्ड मेंबर पूछा, फर्स्ट मेंबर अगर पूछता तो कौन आएगा फिर, C2H, बताइए कौन आएगा, C2H2 आएगा, इसने पूछा सेकंड और थर्ड। अब जिन बच्चों ने बना के देखी है ना, जिन बच्चों ने बना के देखी है वो वही इसका जवाब दे पाएंगे। देखो आंसर बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ एक एक लाइन के एक एक पॉइंट के आंसर है, एक एक पॉइंट के। अब जो बच्चा उन पॉइंट्स को करेगा ना वो इनका जवाब दे पाएगा भाई। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं, कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप देख सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात, क्लियर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी समझ में आ रहे होगी आपको। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे, मैं अभी साथ के साथ चैट बॉक्स देख रहा हूँ, वो ध्यान रखें।
पढ़ लिया आपने थर्ड क्वेश्चन? तो सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज कार्बन कंपाउंड्स जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अब देख लो इसमें जनरल फॉर्मूला दे दिया डायरेक्टली, और क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन होता है कि एल्काइन होता है? एल्कीन होता है। तो अब देख लो सेकंड और थर्ड मेंबर कौन आएगा उसमें, सॉरी सेकंड पूछा है खाली, तो कौन आया है? H2C, दो कार्बन है उसमें या तीन कार्बन है? C3H6 आएगा, क्योंकि दो वाला तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। मुझे साइड में साथ की साथ ये देखने पड़ रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स कि कोई बच्चा कमेंट तो नहीं कर रहा है कुछ। हाँ भाई बताएं क्वेश्चंस का। देखो मैं पूछना चाहता हूँ जो बच्चे अभी लाइव हैं क्लास से जुड़े हुए हैं बेटा, कि क्या जो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ पे कैसे अब क्वेश्चनिंग होगी आपसे, CBSE कैसे क्वेश्चन कर सकता है आपसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने क्या बताना है? यस नमन, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नेम और फॉर्मूला अपने सेकंड मेंबर जो है कौन सी सीरीज का, CnH2n। CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? एल्कीन का होता है। जब एल्कीन में आपने स्ट्रक्चर बनाए थे कार्बन की वैल्यू 1 तो रख नहीं सकते उसमें, क्योंकि मैंने बताया था आपको n ग्रेटर देन 1 होगा, तो 2 से स्टार्टिंग हुआ है, तो 2 कार्बन रखेंगे वो फर्स्ट नंबर पे आता है, जब 3 कार्बन रखते हैं तो वो सेकंड नंबर पे आता है। तो 3 कार्बन रख के आप अपनी कॉपी पेन उठाओ और उसे बना के दिखाओ, बना के दिखाना कि देखो आप क्या बन रहा है उसमें। जब आप देखोगे तो क्या फॉर्मूला बन रहा है उसमें, C3H6 बन रहा है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इस पे मत जाना क्योंकि ये टाइपिंग में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो बुक वाला जो बुक में बना हुआ है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कितने पॉइंट में कहां से क्या पूछा गया है। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका जो नाम है वो प्रोपीन है, जो सेकंड नंबर पे बनता है वो प्रोपीन है, ठीक है। अब मैं एक बात भी बता देता हूँ, मैक्सिमम मेरा आइडिया ये है जितने पॉइंट्स हम कवर करेंगे मैक्सिमम वही पॉइंट्स रिपीट होके कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तुम्हारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, फिर भी कोई नया पॉइंट निकलेगा तो उसको मैं करवा दूंगा बाद में दोबारा, एक रिपीटिंग जरूर होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर से, बट रिपीटिंग करने का तरीका अलग है, डायरेक्टली सेम एज इट इज नहीं पूछा जाता। अगला फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक जो बच्चे कर चुके हैं इसको। सेकंड और थर्ड मेंबर पूछा है उसने मिथेन का, तो सेकंड पे इथेन आएगा, थर्ड पे आएगा प्रोपेन विद फॉर्मूला। हाँ नमन, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ बता दिया मैंने, फिफ्थ में क्या पूछ रखा, विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड व्हाई। इसका तो जवाब ही क्लियर है भाई, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है? तो आपको पता है कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन के पास कैटेनेशन टेट्रावेलेंट है। इतना आसान क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी मौज हो जाएगी भाई पेपर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सिक्स, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। संजीव कुमार बुक्कल, चलो बच्चों ठीक है, अगर समझ में आ रहे तो अच्छा है भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जहां तक मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, क्योंकि सामने बैठे होते तो भाई फेस पता ही चल जाता कि किसको कितना समझ में आ रहा है, सामने तो बैठे नहीं हम, बट फिर भी आपके कमेंट से तो आइडिया लगा ही सकता हूँ कि आप, फिर भी अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है।
ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, जैसे उसमें क्रॉस से दिखा रखे हैं, बस बात वही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आएगा। उस देखो आपकी एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर बना रखे हैं उनको तो आपने बना के देखना ही देखना, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसके लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके आया हूँ एग्जाम्पलर बुक में से, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे बच्चों, तो कितने क्वेश्चन निकल गए आपने देख ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H, क्या इथेन का C2H है फॉर्मूला? क्या होता है इथेन? इथेन इथेन है ना, तो ये H का मिस है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्या बनेगा? मिथेन इथेन, इथेन का बनेगा C2H6 बनेगा। ठीक है, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे उसमें, बना के देखो आप। बना के अगर आप बना के देखोगे, बना के मतलब जो जो आप सिंगल लाइन खींचोगे ना वो काउंट करनी है आपने। सिंगल लाइन जब काउंट करोगे तो वहां पे कितनी बनेंगी? हाइड्रोजन 6 है, तो यहां जो आंसर आएगा बच्चों, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसके अंदर। अब वो सिंगल बॉन्ड, ट्रिप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो बात अलग है और ये बात अलग है। वो जो सिंगल लाइन खींची है आपने, वो कोवेलेंट बॉन्ड नाम रखा गया है यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब आ जाओ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। जब 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आप करोगे, तो इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन है, रीजन आपसे पूछा है, कार्बन जो है ना तो कटायन बनाता ना अनायन, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बना कंपाउंड बनाता है, ये क्यों है? उसके साथ साथ एक्सप्लेन कीजिए कोवेलेंट कंपाउंड बनाने का। तो भाई देखो, इसका जवाब आप लोगों को मैंने बताया था नोट्स के अंदर, पहले वाली वीडियो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि अनायन या कटायन बनाने के लिए या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या उसको गेन करना पड़ेगा। लॉस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, और गेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए वो क्या है, उसने कोवेलेंट को चुना, कोवेलेंट बॉन्डिंग उसके लिए फिट बैठ गई बिल्कुल, कि हाँ इसमें शेयरिंग हो जाएगी, उससे काम चल जाएगा, वो भी खुशी और अगले वाला भी खुश, दोनों खुश। तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है आपका, जो एटमिक नंबर होता है कार्बन का 6 है, वही पॉइंट दोबारा से बताया गया है। आखिरी ऑर्बिट में इसके 4 होते हैं, 4 लॉस करना या गेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, दोनों में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या है। और दूसरा पॉइंट इसने पूछा था कि कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों है इसके लिए, तो कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। उसके बाद इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, इसलिए जो जितने भी ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जो बनेंगे, वो बैड कंडक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वो क्यों होता है, इसका रीजन मैंने आपको साथ साथ बताया था। उसका रीजन ये है कि उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होती है, वीक होती है, और इसके लिए क्या होता है, उनको कम एनर्जी लगती है क्या करने में, उनको तोड़ने में। और अगर फोर्स ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, और वो किस में होता है, वो आयनिक बॉन्ड्स में होता है, आयनिक जो बॉन्डिंग होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ज्यादा होती है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन है, सर मैं पुनीत बोल रहा हूँ। ठीक है पुनीत, ओके बच्चे, ओके पुनीत आ गया है। तो पुनीत जहां पे भी हम चले हुए हैं अभी, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, समझ गया बच्चे मैं, अब क्वेश्चन से फोकस करो, और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ। अभी जो क्वेश्चन बताया है वो क्लियर है, और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा पढ़ते रहो साथ के साथ, ध्यान रखो, अगर कुछ दिखाई ना दे तो मुझे बता देना, कहीं से समझ में ना आए तब भी बता देना।
रीजन पूछ लिया इसने। देखो पॉइंट्स बना बना के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कहीं पे भी आपने ऐसा नहीं देखा जहां पे बड़ा लेंथी क्वेश्चन दिया हो, जो मैंने आपको बात बहुत पहले बताई थी। पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, जो उस थ्योरी को पहले पढ़ेगा अच्छे से, पॉइंट वाइज समझेगा, वही इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स नहीं होते कभी भी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। एलिमेंट जो है कार्बन, जो मतलब कार्बन वाले कंपाउंड सारे जुड़े हुए हैं, किससे, वही बात फिर आ गई कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्यों है। इसका रीजन क्या है कि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना गेन कर सकता ना लॉस कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, तो क्या कर सकता है, सिर्फ शेयर कर सकता है। उसी बात को शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, तो अगला पॉइंट, डायमंड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों है, क्योंकि इसकी कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग होती है, सबसे स्ट्रोंग होती है इसकी, हालांकि ग्रेफाइट की नहीं होती, और दोनों कार्बन से बने हुए हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है कार्बन डायमंड का। फिर बोल दिया इसने ग्रेफाइट गुड कंडक्टर कैसे हो गया, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड तो गुड होते ही नहीं, उसमें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बट इसमें क्या हुआ कि ग्रेफाइट में क्या मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से करंट पास हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, कार्बन एक मेंबर है ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 आपकी पीरियड टेबल में आता है, पीरियड टेबल आपका 5th चैप्टर होता था एनसीईआरटी में, अभी तो वो डिलीट हो चुका है, इस साल पिछले साल हो गया था, तो वहां उसमें है वो ग्रुप 14। बस याद रखो ग्रुप बना रखे हैं एलिमेंट्स के, तो उस ग्रुप 14 ग्रुप में आता है कार्बन, और लगभग मिलियंस में अगर मानोगे आप उनके अंदर वो अवेलेबल है कार्बन। Why is the property not exhibited by other element of this group? इस ग्रुप के किसी और एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, कार्बन के पास ही क्यों, उसका रीजन आप लोग बार बार पढ़ चुके हो, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है कार्बन के साथ वो क्या है, किटनेशन उसके पास प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ कार्बन में ही लाई करती है। क्यों करती है, उसका रीजन एक और दे दिया, कार्बन का जो एटम है उसका साइज कैसे है, छोटा ही है, तो स्टेबिलिटी जो है कार्बन एटम की वो इस काबिल है कि वो स्ट्रोंग बॉन्ड बना लेता है, और क्या करता है, एक लंबी चेन बना लेता है बाकी एलिमेंट्स के साथ या खुद के साथ। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है। स्क्रोल अप कर दूं, स्क्रोल अप ऊपर वाला दिखाना है। ग्रेफाइट कहाँ मौजूद होता है, ग्रेफाइट जो है आपने पेंसिल तो यूज की होगी, तो पेंसिल जिससे में वो मेन वाला बीच वाला हिस्सा होता है जिसको डक बोलते हैं, तो वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। जो सेल आता है एवरीडे का सेल आता है, उसमें भी ग्रेफाइट होता है। अगर किसी बच्चे का रह गया है कोई बात नहीं, बाद में भी आप देखा जा सकता है, आप देख सकते हो इसको। चलिए तो बच्चे यहाँ पे दो ही बच्चे रह गए भाई, पता नहीं अभी ये कौन कौन है, एक तो नमन होगा और दूसरा बच्चा कौन है, बाकी सारे चले गए छोड़ के। देखो क्वेश्चंस नहीं कर पाए ना, अगर तो समझ लो ये चैप्टर करवाने का इतना हमें टाइम लगा रहे हैं हम, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये फिर तो मैं एग्जाम में ही नहीं से रिलेटेड मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था, किसी ने देखा होगा उसको तो दिक्कत आएगी नहीं, वो तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर एग्जाम देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फिर वही बात रिपीट कर रहा है, व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास जवाब वही होना चाहिए, कौन से वाला, कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, क्योंकि तो कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेता है शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पूछा है इसने, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। तो रिंग का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में साइक्लोहेक्सेन का भी था, ठीक है। उसके साथ से पूछा है उसने कि उसमें सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं प्रेजेंट, तो 6 उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
उस कंपाउंड में, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। देखो क्वेश्चन मार्क्स चेंज हो रहे हैं बट पॉइंट उनने तोड़ के वही पूछ रखे हैं बार 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 बार। ठीक है, कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दिया जो बहुत बड़ा हो, लेंथी हो, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन करते हो? नहीं ना, और होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना बात। इसलिए पॉइंट्स पे फोकस करना, आप खुद बने नोट्स बना सकते हो सेल्फ के अपने, जो भी आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ये पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। फिर वही बात आ गई भाई, क्यों बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और उसी रीजन से जो दो रीजन उसके डेटा, अगला पूछ रहा है दो रीजन कौन से हैं जिससे कार्बन बहुत लंबे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, तो टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, ये दोनों मेन रीजन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो NH3NH4 अमोनिया का फॉर्मूला बताइए क्या है। E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे दो वैल्यू होती है, उसका मास की वैल्यू, उसके चार्ज की वैल्यू, दो वैल्यू होती है बच्चे, वो आपकी बुक में एनसीईआरटी में छपी हुई है पहले ही। ठीक है, NH3 अच्छा है, आपके सामने आ चुका है अब तो अमोनिया का फॉर्मूला, फर्स्ट का जवाब आपको मिल ही चुका है, जो बताया था मैंने कि लॉस गेन करने में उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो शेयरिंग को चुनता है। शेयरिंग किसमें होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बार बार रिपीटिंग हो रही है, रिपीटिंग, और रिपीटिंग होने के बाद एक ही चीज को तो पढ़ना है आपने एक बार अच्छे से। अब अमोनिया किससे बना? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। एटमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7 है। कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन कितनी है? 2 और 5 है। अब इसमें आपको जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया, वो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को जोड़ा गया है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, 1 नाइट्रोजन जोड़ दिया, और एक एक शेयरिंग हो रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, तीन वैलेंसी होती है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है लेगा, लेने की कैपेसिटी है उसकी। तो वैसे तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव होता है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि वो क्या होता है 3, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उसको पूरा करने के लिए ही तो वो शेयरिंग कर रहा है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है सामने, आपके सामने स्ट्रक्चर है, शेयरिंग हो रही है एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो 3 हाइड्रोजन ले आया है वो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास शेयर करने के लिए। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग ढूंढेगा वो, कोई ऐसा एलिमेंट होगा कि एक ही मिल जाए, या कोई जिसके पास एक ही हो, जैसे हाइड्रोजन है बेचारे को, उसके तो हाइड्रोजन को तो कई बार आना पड़ता है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे इसको, तो 3 हाइड्रोजन को आना पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही शेयर कर सकता है एक बार में, तो हमने 3 लिए फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट जो है अजर्सन रीजन। ठीक है, अजर्सन रीजन के सिर्फ मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे आज की, क्वेश्चंस की हमारी ये आज की जो क्लास है, कल फिर लेंगे हम इस चैप्टर पे, कल इसका दी एंड हो जाएगा। कल मैं पूरे चैप्टर से डाउट्स लूंगा आपसे, पूछूंगा, कोई डाउट तो नहीं कहीं किसी पॉइंट में, कोई ऐसा तो नहीं जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है ज्यादा। अब इसमें देखिए अजर्शन